पुलिसिया कार्य प्रणाली में हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। रसूखदारों और राजनीतिक दलों के दबाव में आकर कार्रवाई न करने के आरोप भी गाहे बगाहे पुलिस पर लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी शिक्षक और उसके परिवार पर हर्ष फायर करने के आरोप में FIR होने के 6 महीने बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। दरअसल ग्वालियर के सिटी सेंटर में स्थित एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 6 माह पहले शासकीय शिक्षक प्रशांत परमार और उनके बेटे ने फायरिंग की थी। इसके FIR दीपक सिंह चौहान ने करवाई थी। पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में मामला होने के बाद भी अब तक आरोपी गणों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बता दें कि आरोपी प्रशांत परमार क्षेत्रीय महासभा का पदाधिकारी है और क्षेत्र में काफी रसूख रखता है। इस संबंध में जब थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस केवल आम जनता और असहाय पर ही अपना डंडा चला पाती है। प्रशांत सिंह परमार एक शासकीय शिक्षक हैं गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूल के, ग्रामीण स्कूल के, तो उनके लाइसेंसी राइफल से उनके बच्चों ने उनकी लड़की साक्षी परमार और उनके लड़के अभय परमार ने सार्वजनिक प्लेस पे, जो आम जनता जो आम जगह है वहाँ पे इन्होंने हर्ष फायर किए, लगातार 2-3 फायर किए हैं। उसकी FIR मैंने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थाना विश्वविद्यालय में 8/12/2019 को FIR हुई थी। उसमें मेरे बयान हो गए हैं, गवाहों के भी बयान हुए हैं उसमें कथन होने के बाद में। अभी तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे द्वारा थाना प्रभारी श्री रामनरेश यादव जी के थाने में उपस्थित होकर एक आवेदन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। एक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नवनीत भसीन साहब को भी आवेदन दिया। वीडियो उपलब्ध कराएं? जी हाँ, वीडियो उपलब्ध कराएं। कार्रवाई नहीं हुई, कितना समय हो चुका है? अब आप तो ये मान लीजिए 6 महीने तो हो ही गए हैं।